शासकीय रेल पुलिस स्थापना दिवस 1 जनवरी को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षा सप्ताह का आरंभ किया गया, जिसको लेकर जीआरपी डीएसपी महेंद्र परमार पत्रकारों से रूबरू हुए। परमार ने बताया कि पहले दिन जीआरपी पुलिस के द्वारा पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे, दूसरे दिन रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए तथा रिजर्वेशन कोच में अकेली महिला की यात्रा करने पर उसे यथासंभव मदद के प्रयास किए जाएंगे, तीसरे दिन 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सीनियर सिटीजन यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी प्रतिबद्ध है, ऐसे यात्रियों की जानकारी रिजर्वेशन चार्ट से लेकर उनके हालचाल जाने जाएंगे, चौथे दिन रेलवे सुरक्षा समिति की सक्रियता को सुनिश्चित करते हुए सदस्यों को प्रमाण पत्र तथा जैकेट्स वितरित किए जाएंगे और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, पांचवें दिन रेलवे परिसर में यात्रियों को जागरूक करने के अलावा निराश्रित बच्चे एवं भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले लोगों से संपर्क कर उन्हें एनजीओ के सहयोग से उचित व्यवस्था बनाई जाएगी, छठे दिन रेल यात्रियों के प्रतिनिधि, रेल रक्षा समिति के सदस्य, रेलवे के सलाहकार, रेलवे में जो वेंडर्स का काम करते हैं उनके प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिनिधि, रेलवे संगठनों के प्रतिनिधि का मेडिकल कैंप आयोजित किया जाएगा, सातवें दिन रेल यात्री सुरक्षा के संबंध में मीडिया से चर्चा की जाएगी। उसमें हमने तय किया है कि उन महिलाओं के पास में यात्रा कर रही महिला, सिंगल सीट पर महिला यात्रा कर रही, उनके पास में हमारी महिला पुलिस कर्मचारी अधिकारी वहां पे जाए, उनके बारे में उनसे सुने, उनको बताए, उनकी समस्याएं सुने, उनको कोई सुरक्षा के संबंध में कोई बात हो उनको बताए, हमारी जीआरपी एक ऐप है उसको डाउनलोड करवाए और उनको यह बताए कि यदि वो एसओएस बटन को दबाएंगे तो उसकी सीधी सूचना, उनके साथ में कोई समस्या है, घटना है तो सीधी सूचना हमारे भोपाल में जो रेल का कंट्रोल रूम है वहाँ जाएगी और वहाँ कंट्रोल रूम से संबंधित घटना स्थल जहाँ जिस जीआरपी थाने का है वहाँ पर बताया जाएगा और वहाँ की QIRT टीम तत्काल वहाँ पे जाकर के उस ट्रेन में जाकर के जो समस्याग्रस्त है या पीड़िता है, पीड़ित है उनको जाकर के बात करेगी और उनके जो भी है एक्शन लेगी।